राम पांडू का विकास खंड छुरा जिला गरियाबंद से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। आज यहाँ की महिलाओं ने दारू भट्टी बंद करने का आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को क्यों शुरू किया गया? शराब की वजह से महिलाओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, यह जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। हमारा शराब भट्टी बंदी को लेकर, पूर्णतः बंदी को लेकर हम लोग आज बैठक किए थे। इसमें हमारे 12-13 गांव के पूरे महिला समूह आज एकत्रित हुए थे। शराब भट्टी कांड मतलब काफ़ी दिनों से प्रयासरत है हमारा, लेकिन हम लोग इसके पूर्णतः बंद नहीं करा पा रहे हैं। ग्राम में ही अगर हम लोग देखें तो कम से कम 15 से 20 हमारे जो भाई हैं लोग हैं वो सिर्फ शराब की वजह से उनकी डेथ हुई है। और उनकी जो भी विधवाओं को अगर देखेंगे तो उनकी उम्र 20 से लेके 25 तक की ही है, और उनके उनके दो दो तीन तीन छोटे बच्चे हैं, और उन बच्चों को अब आगे इतना उनका है भविष्य में, उनका कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि अपने पीछे ना कोई पैसा छोड़ के गए हैं और ना कुछ भी नहीं छोड़ के गए हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी है। आप क्या कर रहे हैं मैम? अगर दारू नहीं पीते, नशे में नहीं रहते, तो इस गंदे काम और अपराध नहीं करते, तो दारू पट्टी को बंद हो जाना ही चाहिए, और बंद हो जाएगी तो शांति बनी रहेगी। छोटे छोटे पढ़ाइया लड़का में सीसी पिया थे। पांडुकम भट्टी के सामने हम लोग शराबबंदी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें चक्का बंद रहे, पूरा चक्का जाम की स्थिति है, जिसमें हमारे कम से कम 22-23 गाँव के सरपंच और उनके पंचगण और वहाँ से महिला समूह पूरी आ रही है हमारी टीम। चक्का जाम करके हम यही बताने को चाह रहे हैं कि ये हमारा उद्देश्य अभी शुरू हो रहा है। पूर्णतः जब तक ये दारू भट्टी नहीं हटेगी तब तक ये हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। जागेगी भाई, जागेगी, जागेगी भाई, जागेगी, जागेगी भाई, जागेगी, जागेगी भाई, जागेगी। आइए जानते हैं मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के बाद क्या कोई बदलाव आया है। नारी शक्ति, हमारे आस पास के 30 साल के 40 जन गाँव के सबो सरपंच मन है, गाँव के दीदी बहनी मन है, 13 दिन ले आंदोलन करे हैं दारू भट्टी के प्रति। काबर हमार घर के सब नोनी बाबू मन पिए बरव मत सीखे, ओकर जिंदगी बर्बाद मत हो कि हम लड़ाई करे हैं शासन से, थाना कचहरी गए हैं, पुलिस वाला से डंडा भी खा हम, सब चीज करे हैं, तो हम लाभ मिली से एक कारण से हम सरकार ला धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और हमारे सबो दीदी बहनी मतलब 40 साल गाँव दीदी बहनी मतलब बधाई देते हैं। आपका नाम क्या है मैम? दिशा शर्मा। गांव का नाम? पांडुका। जब से मैं उप सरपंच के पद पे आई हूँ उसके बाद से मेरे को ये लगातार लगने लगा कि शराबबंदी हो ही जानी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो 2 साल में जैसे ही हमने चुनाव जिस समय था उस समय, तो मैंने अपने ग्रामवासियों को यही बोला था कि जैसे ही मैं पद पे आती हूँ इसको मैं शराबबंदी को करके ही रहूँगी, शराब की भट्टी यहाँ से बंद करवा के ही रहूँगी। इसी पर्पज़ पे हम लोगों को अन्य लोगों को भी सहारा लेना पड़ा, जिसके तहत मैंने डॉक्टर सेता शर्मा जी जैसे ही जिला पंचायत इसमें अध्यक्ष के रूप में आई हैं, तो उनके सहयोग से इस आंदोलन को मैंने जारी किया था। सबसे पहले तो इस गांव में इस आंदोलन के लिए हमने अपने गांव को पहले चुना, और हमारे इसके लिए हमने सबसे पहले हमारा साई ग्राम संगठन जो है महिला संगठन, उनके अध्यक्ष, उनकी मैं सदस्य हूँ बिहान परियोजना के अंतर्गत जो आता है, तो उनकी महिलाओं को पहले मैंने अपने साथ में लिया, और उसके बाद मुझे लगने लगा कि शायद ये आंदोलन इतना बड़ा होने वाला है कि बृहद रूप में ही इसका करो तभी बन पाएगा, छोटे मोटे आंदोलन से तो काम होने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने 20 गाँव को अपने साथ में लिया, उस 20 गाँव के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के मुखिया को, वहाँ के महिला संगठनों को, सरपंचों को, सबको साथ में लेने के बाद मैंने हमने काफ़ी दिनों से मीटिंग कर करके ये प्रयास में हम लोगों ने किया कि अन्य गांव के लोगों को भी सहयोग में लेंगे तभी इस आयोजन को हम लोग सफल कर सकते हैं। तो हमें बराबर 20 गाँव के लोगों का इसमें सहयोग रहा। अच्छा, विजय जुलूस किस पर्पस से निकाला गया था? विजय जुलूस का पर्पस ये था कि गांव में शराबबंदी हो गई, हमारी शराब भट्टी बंद हो चुकी, तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जाहिर की, अपने खुशी जाहिर करने का तरीका है। भारत माता की जय।
वीडियो वॉलंटियर के माध्यम से जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस समस्या के समाधान करवाने के लिए मदद किया, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि गरियाबंद जिला के कलेक्टर माननीय श्री निरंजन दास जी को उनके ऑफिस के नंबर 7706241455 इस नंबर पर फ़ोन कर धन्यवाद प्रेषित करें। मैं रीना रामटेके, ग्राम गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।